वेलकम टू रजा टेक वेब गाइस। फर्स्ट अबू धाबी बैंक यानी फैब बैंक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में किसी ने कमेंट किया था कि भाई फैब बैंक के बारे में ज़रा डिटेल में समझाइए। तो गाइस, फर्स्ट अबू धाबी बैंक एक अबू धाबी का बैंक है। यूएई में वेल एस्टैब्लिश बैंक जितने हैं उसी में से एक बैंक फर्स्ट अबू धाबी बैंक है। ये काफ़ी फेमस है, मुझे उम्मीद है कि इसके ब्रांच, इसके एटीएम्स आपके आसपास ज़रूर होंगे। लेकिन इसमें चौंका देने वाली बात यह है कि इसमें किसी भी तरीके की ज़ीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। अगर कोई थर्ड पार्टी के साथ में टाइप करके, अगर कोई एक्सचेंज के साथ में टाइप करके अगर कोई अकाउंट ओपन कर रहा है तो उसकी डिटेल्स मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन डायरेक्ट कोई भी ज़ीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। इसमें मिनिमम सैलरी 5000 चाहिए, 5000, 10000, 15000, 50000 इस तरीके के अकाउंट हैं। जितने भी आपकी सैलरी आप उस हिसाब से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें 3000 वाले सैलरी वाले भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 3000 है तो आप यहाँ पे पर्सनल करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। पर्सनल करंट अकाउंट अगर आपने ओपन किया तो आपके हर महीने सैलरी आते हैं तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आपकी सैलरी 3000 से कम है, 2000 है, या 2500 है, या तो उससे भी कम है, तो भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं पर्सनल करंट अकाउंट। लेकिन पर्सनल करंट अकाउंट अगर आपने ओपन किया तो आपका अगर मिनिमम बैलेंस 3000 आपके अकाउंट में नहीं रहेगा तो आपके अकाउंट से जो है हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट, जो कि तकरीबन कुछ बैंक में 15 दरम होता है, कुछ बैंक में 25 दरम होता है, इस तरीके के कट जाएंगे। रही बात चेकबुक की, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जिनको चेकबुक की ज़रूरत होती है, तो चेकबुक भी आपको मिल जाएगा फैब बैंक के करंट अकाउंट में। फैब बैंक की कोई भी करंट अकाउंट आप ओपन करो, पर्सनल करंट अकाउंट ही ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए कंपैटिबल रहेगा। तो आप पर्सनल करंट अकाउंट ओपन करके जो है फैब बैंक में चेकबुक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसका डेबिट कार्ड जो हर बैंक को बैंक देते हैं, आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा। उसका पासवर्ड आप किसी और बैंक के एटीएम में यूज़ करेंगे तो हो सकता है थोड़े से चार्ज आए, दो दरम कुछ फील्स। अगर आप फैब बैंक के एटीएम में ही यूज़ कर सकते हैं करेंगे तो आप महीने में कितने भी ट्रांजेक्शन करो, सारे के सारे फैब बैंक के एटीएम में फैब बैंक का कार्ड फ्री रहेगा। तो ये एक कॉमन सी चीज़ है, ये सारे बैंक में देते हैं। तो गाइस, फैब बैंक में व्यूअर्स ने काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई थी, जबकि मुझे वीडियो बनाने जैसा इसमें कुछ ऐसा पॉइंट्स लगा नहीं। फिर भी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन फैब बैंक की मैंने छोड़ दी है और आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे करके ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।